सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड मैं ये वीडियो, सेकेंड वीडियो अपना मेकअप से रिलेटेड लेके आई हूँ आज। एंड मैं जानती हूँ मुझे काफ़ी लॉन्ग गैप हो गया, बिकॉज इस बीच मैं अपने मम्मी के यहाँ गई थी एंड वहाँ पे मेरी सिस की इंगेजमेंट थी, तो वहाँ पे यू नो टाइम देना पड़ा एंड ट्रैवलिंग टाइम एंड ये सब, इस वजह से मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ ये सेकेंड वीडियो लाने में। बट अब हम स्टार्ट करते हैं एंड आज का जो टॉपिक है वो रिलेटेड है फाउंडेशन से। सो आज के इस वीडियो में हम क्या क्या सीखेंगे, सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। सो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, व्हाट इज फाउंडेशन, फाउंडेशंस क्या होते हैं एंड क्या फाउंडेशन ज़रूरी है, क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं क्या हम फाउंडेशन स्किप कर सकते हैं, क्या फाउंडेशन इतना ज़रूरी है, हमने ऐसे ही स्किन प्रिपरेशन कर लिया, बीबी क्रीम यूज़ कर लिया, सीसी क्रीम यूज़ कर लिया, तो डू फाउंडेशन इज रिक्वायर्ड एंड इफ येस हाउ। सो ये फर्स्ट पॉइंट सीखेंगे एंड सेकेंड पॉइंट है, व्हाट इज कंसीलर, कंसीलर्स क्या होते हैं एंड क्या सिर्फ कंसीलर्स लगा के आप अपना फाउंडेशन स्किप करके जा सकते हैं। सो ये हमारा सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट कि फाउंडेशन कितने टाइप के होते हैं, कौन से टाइप के फाउंडेशन होते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा फाउंडेशंस होते हैं, स्टिक्स आते हैं, पाउडर्स आते हैं, क्रीम्स आते हैं, बॉटल्स आते हैं, तो कौन सा फाउंडेशन यूज़ करें ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक, कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम आपकी इस वीडियो में सॉल्व हो जाएगी। कि फोर्थ पॉइंट हम जानेंगे कि कौन सा फाउंडेशन कब यूज करना है। फाउंडेशन तो आपके पास पड़े हैं, आपने 3-4 तरह के फाउंडेशन परचेस कर लिए हैं, बट कौन सा फाउंडेशन कब यूज करना है, कौन सा कब रिजल्ट अच्छा देगा, ये सारी क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। बट उससे पहले अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने आपको बहुत ही अच्छे से स्किन प्रिपरेशन करना सिखाया है, उसमें टोनिंग, प्राइमर, मॉइस्चराइजर, क्लीनर सबके बारे में मैंने बताया है किस तरीके से आपको स्किन प्रिपेयर करना है एंड कौन से प्रोडक्ट्स आपकी स्किन के लिए बेटर रहेंगे, अगर आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन स्किन टाइप है, आपको कौन से प्रोडक्ट्स परचेस करने चाहिए, वो आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। सो डेफिनेटली उस वीडियो को मिस बिल्कुल नहीं करना, बट उससे पहले ये वीडियो पे आ चुके हो तो ज़रूर से ये वीडियो पूरा कंप्लीट कर लेना एंड उसके बाद जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। बट डू नॉट मिस दैट वीडियो, बिकॉज आपका जो फाउंडेशन है, फाउंडेशन जो स्टे करेगा प्रॉपर, फाउंडेशन का जो बेस बनेगा, एक फ्लॉलेस फिनिश आएगा, वो उस वीडियो में आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि क्या क्या स्टेप्स हमें फाउंडेशन से बताएंगे, क्योंकि फाउंडेशन एक ऐसा टॉपिक है जो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा वास्ट है एंड फाउंडेशन, कंसीलर, कलर करेक्टर ये सब एक ही कैटेगरी के हैं। तो मैंने क्या किया है ना, फाउंडेशन को मैंने थोड़ा सा इस टॉपिक को समेट के रखा है इस वीडियो में। हमने जो 4 पॉइंट डिस्कस करे हैं उसके बारे में ही मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, और जो फाउंडेशन के बारे में और ज़्यादा नॉलेज है हम आगे वाले वीडियोस में शेयर करेंगे। सो आपको वीडियो बड़ा भी नहीं होगा एंड आपको समझने में भी आसानी होगी। सो फाउंडेशन से रिलेटेड अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो वो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। कंसीलर का भी हम अलग से एक वीडियो रखेंगे तो आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। कमिंग टू द फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज फाउंडेशन, फाउंडेशन क्या होता है। फाउंडेशन का जो रोल है ना हमारे मेकअप में बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, लाइक 80% मैं बोलूँ तो फाउंडेशन का रोल है, बेस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ये जो 80% फाउंडेशन है ना, उसको प्रॉपर करने के लिए क्या ज़रूरी है, स्किन प्रिपरेशन। स्किन प्रिपरेशन इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको जो एक नींव खड़ी करनी होती है ना, वो देती है स्किन प्रिपरेशन। तो वो आप जाके लास्ट वीडियो में देख सकते हैं, लिंक बायो में है, ऊपर आई बटन में है, आप जाके देख सकते हैं। सो फाउंडेशन क्या करता है, फाउंडेशन करता है कंसील, सबसे पहला काम करता है कंसीलिंग का। अगर आपको कहीं स्पॉट्स हैं तो वो आपके एक्ने स्पॉट्स, जो भी आपको ब्लैमिशेस हैं उनको कर देता है कंसील, जो भी आपके फ्लॉज होते हैं फेस पे उनको कर देता है कंसील, एक इवन स्किन टोन देता है। कई लोगों के फेस पे कहीं पिगमेंटेशन होता है, कहीं डार्क एरिया होता है, सबके फेस पे ही होता है ऑलमोस्ट, कि यहाँ पे जो हमारा है वो डार्क एरिया रहता है, यहाँ पे अंडर आइज डार्क होते हैं, तो पूरा जो एक अच्छा कवरेज, एक हेल्दी स्किन, एक प्रॉपर स्किन टोन देता है हमें। ताकि स्किन
को ब्राइटन भी करता है. यस, अगर आपको एक फेयर स्किन टोन चाहिए, एक टू टोन स्किन ऊपर चाहिए, टू टोन स्किन लाइटर चाहिए, तो आपको एक लाइटर टोन भी दे सकता है फाउंडेशन. वो एक फाउंडेशन के सिलेक्शन पे डिपेंड करता है. और अपना क्वेश्चन था कि क्या फाउंडेशन नेसेसरी है. यस, डेफिनेटली नेसेसरी है फाउंडेशन. फाउंडेशन के बिना एक गुड मेकअप आप अचीव नहीं कर सकते. फाउंडेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है. सो हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि व्हाट इज कंसीलर एंड क्या आप कंसील करके फाउंडेशन छोड़ के जा सकते हैं. सो कंसीलर क्या करता है? कंसीलर का काम भी एग्जैक्ट फाउंडेशन जैसा ही होता है, बट इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो डिफरेंट होता है. सो कंसीलर क्या करता है? आपके ब्लेमिशेस को रिमूव करता है, आपके डार्क सर्कल्स को हाइड करता है. एंड कंसीलर को हम हाइलाइटर की तरह भी यूज करते हैं. सो कंसीलर सेम फाउंडेशन जैसा होता है, बट इसका फॉर्मूला डिफरेंट होता है. अब क्वेश्चन आता है कि कंसीलर पहले यूज करें या फाउंडेशन पहले यूज करें. सो द डिबेटेबल टॉपिक होता है हमेशा, बट हमें सबसे पहले कंसीलर यूज करना है एंड कंसीलर फाउंडेशन के बाद भी यूज होता है. सो कंसीलर इज मल्टीपर्पज. कंसीलर हम पहले कब यूज करते हैं? जब हमें डार्क सर्कल्स को हाइड करना होता है. आप कंसीलर स्किप कर सकते हैं अगर आपके जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है, यानी कि जो डार्क सर्कल्स हैं, ये डार्क एरिया है नहीं है या ना के बराबर है, तो डेफिनेटली आप कंसीलर मिस आउट कर सकते हैं. बट अगर आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा है, अगर आपका जो डार्क सर्कल्स हैं डीप हैं, देन आपको कंसीलर या कलर करेक्टर यूज़ करना ही होगा. एंड इसको जो यूज़ करना है, आपको प्रॉब्लमेटिक एरिया को हाइड करने के लिए करना है. एंड ये यूज़ होता है फाउंडेशन से पहले. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या हम सिर्फ कंसीलर यूज करके चला सकते हैं? तो हाँ, आप चला सकते हैं. आप सिर्फ कंसीलर करके ही अपने प्रॉब्लमेटिक एरिया को कवर करके ही चला सकते हैं. कैसे? अगर आपको डार्क सर्कल्स हैं, प्रॉब्लमेटिक एरिया है, आपने वहाँ पे कंसीलर अप्लाई कर लिया, ठीक है, एंड आपने हल्का हल्का कंसीलर ही अप्लाई कर लिया पूरे फेस पे, तो भी चलेगा. तो ऐसा हम कर सकते हैं बिकॉज हमें जो कवरेज चाहिए वो सीसी या बीबी क्रीम से ज़्यादा चाहिए, बट जो फाउंडेशन है उससे कम चाहिए. तो हमें जो ये बीच की जो कवरेज चाहिए ना, हमें थोड़ा सा लाइटर मेकअप चाहिए, थोड़ा सा लाइट जाना है, तो हम कंसीलर को यूज कर सकते हैं विदाउट एनी फाउंडेशन. सो गाइज, कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज थर्ड क्वेश्चन, की वॉट आर द टाइप्स ऑफ फाउंडेशन. सो हमारे कितने टाइप्स ऑफ फाउंडेशन होते हैं? सो फर्स्ट इज क्रीम बेस्ड फाउंडेशन. क्रीम बेस्ड फाउंडेशन क्या होते हैं? ये फाउंडेशन जो होते हैं, ये पैलेट में आते हैं, ट्यूब्स में आते हैं. अब ये जो फाउंडेशन होते हैं, आपको सेटिन टू ड्यूई फिनिश देते हैं, बिल्डेबल कवरेज के होते हैं, थिक कंसिस्टेंसी के होते हैं, क्रीमी कंसिस्टेंसी के होते हैं, एकदम फ्लॉलेस फिनिश देते हैं, ग्रीसी नहीं होते हैं. एंड ये मोस्ट सूटेबल होते हैं ड्राई एंड मैच्योर स्किन के लिए. क्रीम फाउंडेशन होते हैं ना, इनसे क्रीजिंग बहुत जल्दी हो जाता है. एंड अगर आपको चाहिए कि ये फ्लॉलेस फिनिश दें, तो ऐसा ज़रूरी है कि आप इसको ज़्यादा अमाउंट में बिल्कुल भी अप्लाई ना करें, लिटिल लिटिल अमाउंट लें एंड ब्लेंड करते जाएं. एंड ब्लेंडेबिलिटी बहुत ही अच्छी चाहिए होती है इन क्रीम फाउंडेशंस में. वैसे तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं, बट इनकी टेक्निक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्रीम फाउंडेशंस कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल क्रायलॉन. क्रायलॉन का सुपर डर्मा पैलेट बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है मेकअप आर्टिस्ट के थ्रू, क्योंकि उसमें बहुत वैरायटी ऑफ कलर्स मिल जाते हैं, वैरायटी ऑफ शेड्स मिल जाते हैं सबकी स्किन के अकॉर्डिंग, एंड काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल एंड उसके साथ बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी देता है. सो एक क्रायलॉन के पैलेट्स हो गए, देन उसके बाद आपके लैक्मे 9 to 5 करके क्रीम फाउंडेशन आते हैं, मेबलिन के मैट फिनिश फाउंडेशन आते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्रीम वैरायटी भी अवेलेबल है मार्केट में. सो द नेक्स्ट फाउंडेशंस आर लिक्विड फाउंडेशन. लिक्विड फाउंडेशन का नाम सुनते ही आपको बॉटल्स मेबलिन के याद आती होंगी. हाँ, वही होते हैं लिक्विड फाउंडेशंस. अब जो लिक्विड फाउंडेशंस क्या होते हैं? वाटर बेस्ड रहते हैं. इनमें बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन होता है, स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं एंड बिल्डेबल कवरेज के साथ आते हैं. बिल्कुल स्किन लाइक फिनिश देते हैं, मोर नेचुरल लुक देते हैं. इनमें ड्यूई भी आता है, मैट फिनिश भी आता है, हर तरीके का आता है. एंड मेरा मोस्ट फेवरेट है मैबेलिन फिट मी फाउंडेशन, लॉरियल इनफॉलेबल फाउंडेशन, PSC का HD फाउंडेशन, नास का फाउंडेशन, बॉबी ब्राउन का फाउंडेशन होंगे. ये सारे फाउंडेशन होते हैं लिक्विड फाउंडेशन. आते हैं तीसरे फाउंडेशन की ओर, वो है पाउडर फाउंडेशन.
ऑन द फाउंडेशन में वाटर कंटेंट बिल्कुल भी नहीं होता है। ये आपको मैट लुक देते हैं, ये आपके ऑयल को कंट्रोल रखते हैं, इनमें पिगमेंट्स बाइंडर्स होते हैं। पाउडर फाउंडेशन को एज अ सेटिंग पाउडर भी यूज कर सकते हैं। यू गॉट माई पॉइंट? या पाउडर फाउंडेशन आर नथिंग बट दे आर योर यूजुअल कॉम्पैक्ट्स। या सो पाउडर फाउंडेशन जैसा कुछ भी नहीं है मार्केट में, दीज आर जस्ट द कॉम्पैक्ट्स विच यू हैव विद योरसेल्फ। सो कॉम्पैक्ट्स क्या करते हैं, वो एज अ फाउंडेशन का भी काम करते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट को बहुत ज़्यादा फाउंडेशन नहीं चाहिए, वो बोलते हैं हमें लाइट लाइट मेकअप चाहिए, या फिर बच्चे होते हैं, टीनेजर्स होते हैं जो बोलते हैं कि हमें ज़्यादा मेकअप नहीं चाहिए। मैंने ऐसा खुद अपने क्लाइंट्स के साथ किया है। सो वो बोलते हैं कि हमें बिल्कुल लाइट चाहिए, जैसे बच्चे हैं 6-7 क्लास के, या फिर छोटे से बच्चे होते हैं, उन्हें बिल्कुल लाइटर कवरेज चाहिए होता है। ये मैं सीक्रेट शेयर कर रही हूँ आपके साथ। सो आप बहुत अच्छा सा कॉम्पैक्ट रखिए अपने पास, एंड उनको जो ना ज़्यादा फाउंडेशन की ज़रूरत भी नहीं होती है। बच्चों को दे हैव अ रियली गुड स्किन होती है, उनके इतने प्रॉब्लम एरियाज नहीं होते हैं बच्चों में। सो आप उनको डायरेक्टली कॉम्पैक्ट यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। मैं मैक का यूज़ करती हूँ तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है उससे। एंड कई बार ऐसा होता है कि हमें बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन मिलती है, या फिर समर का टाइम है, तो आप फाउंडेशन जैसा कुछ हैवी भी नहीं करना चाहते, बिकॉज फाउंडेशन डेफिनेटली अगर आप धूप में जाएंगे तो वो यू नो ऑयल छोड़ेगा, स्वेट करेगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, जस्ट अगर आपको कंसीलर अप्लाई किया आपने, एंड देन उसके बाद आपने कॉम्पैक्ट कर दिया, यानी कि आपने पाउडर फाउंडेशन यूज़ कर लिया। सो पाउडर फाउंडेशन आपको बहुत ही अच्छी कवरेज दे देगा। सो आप कॉम्पैक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। आप पाउडर फाउंडेशन यानी कि हमारे अक्का कॉम्पैक्ट क्या होते हैं, सिलेक्ट में 925 प्राइम प्लस मैट पाउडर, मैक स्टूडियो फिक्स पाउडर्स, मैक स्टूडियो बॉबी ब्राउन स्किन वेयर पाउडर के पाउडर कॉम्पैक्ट्स, पाउडर फाउंडेशन अवेलेबल होते हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो ये जो हमारा आज का टॉपिक था, हमने इसको थोड़ा सा समेट के रखा है ताकि ये फाउंडेशन वाला जो हैवी टॉपिक है आपको समझ में आ सके। एंड एज वी डिस्कस्ड, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कौन सा फाउंडेशन कब यूज करें। सो फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये आंसर, कि लिक्विड फाउंडेशन आपको यूज़ करना है जब आपको बिल्कुल नेचुरल एंड ड्यूई फिनिश चाहिए, बहुत ही लाइटर चाहिए फाउंडेशन, तो आप अपना जो फाउंडेशन यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे लिक्विड फाउंडेशन। एंड अगर आपको क्रीम बेस पे जाना है, तो अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, मैच्योर्ड है, देन आप क्रीम बेस फाउंडेशन पे जा सकते हैं। क्रीम बेस फाउंडेशन भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, जस्ट यू हैव टू नो इज द टेक्निक, एंड टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगी इन द अपकमिंग वीडियो बहुत ही जल्दी, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड जो आपको पाउडर फाउंडेशन है, जो मैंने आपको बताया कि अगर आपकी स्किन ऑयली है, बेबी स्किन है, बच्चे हैं, देन आपको सिर्फ पाउडर फाउंडेशन से भी काम चल जाएगा। इवन आप खुद के लिए भी, सेल्फ के लिए भी, अगर आपको लगता है आपको क्विक सा टचअप चाहिए, जस्ट यू डोंट वॉन्ट मैसी एंड यू डोंट हैव टाइम, आप फटाफट से कॉम्पैक्ट अपने पर्स में रखिए, एंड आप ट्रैवलिंग के टाइम ही उसको अप्लाई कर सकते हैं, एंड इट गोज अ लॉन्ग वे। सो ये है फाउंडेशन आपको कब यूज़ करने, मैंने आपको ये भी बता दिया। एंड अगर आपके कुछ और भी क्वेश्चन हैं, सो डू कमेंट बिलो एंड लेट मी नो योर डाउट्स, सो वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।